नमस्कार दोस्तों, कैसे पता करें कि हमारा जो YouTube चैनल है ब्रांडेड है या फिर नॉर्मल है? नॉर्मल का मतलब हम जो जीमेल आईडी से साइन इन करते हैं YouTube पे, तो वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उस अकाउंट के थ्रू आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक करते हो, कमेंट्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आप खुद का कंटेंट बनाना चाहते हो, यूट्यूब से आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको एक ब्रांडेड अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ब्रांडेड अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बना के बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हो कि आपका ये जो अकाउंट है ब्रांडेड है या फिर नॉर्मल है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट में यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया है और अपनी ईमेल आईडी से मैंने साइन इन भी कर लिया है। और आप यहाँ पर अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये जो चैनल है अभी ब्रांडेड नहीं है। ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आना है और सेटिंग में क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको परमिशन में क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हो, इनवाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और एक्सेस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जबकि आपका ये जो चैनल ब्रांडेड होता तो आपको यहाँ पर कुछ और नज़र आ रहा होगा। चल तो दोस्तों, ये तो रहा पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद से दोबारा सेटिंग में जाता हूं और इसके चैनल पर जाता हूं, एडवांस सेटिंग में जाता हूं और नीचे आता हूं। और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैनेज यूट्यूब अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप यहां पर देख सकते हो क्रिएट ए न्यू चैनल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये नॉर्मल अकाउंट है। चलिए अब मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, मूव चैनल टू ए ब्रांड अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने अभी तक अपने नॉर्मल चैनल में ही वीडियो अपलोड करते थे और आपको बाद में पता चलता है कि यार ये अकाउंट तो ब्रांडेड नहीं है, तो आप उसको इस सेटिंग के थ्रू यहाँ पर आके अपने ब्रांड चैनल में मूव कर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर लिखा भी है मूव चैनल टू ए ब्रांड अकाउंट, आप यहाँ से ब्रांड अकाउंट बना सकते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ ऑप्शन जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट को पता कर सकते हो कि ब्रांडेड था या फिर नॉर्मल था।